नर्फेस्ट OS के अंदर नया अपडेट आ चुका है Redmi K20 Pro के लिए एंड इसके अंदर क्या चेंजेस हैं वो मैं बताऊंगा और गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड डेफिनेटली अभी बात करेंगे अबाउट फोन सेक्शन की। तो अबाउट फोन के अंदर आपको सबसे पहले जो है इसका सेक्शन देखने को मिलता है। नर्फेस्ट वर्जन आपको सेम 12 ऑफिशियल Xiaomi मिलेगा और एंड्रॉयड 12 का अपडेट है और 5 का सिक्योरिटी पैच लेवल जो कर्नल यूज़ किया वो सोवियत स्टार, जो आपका सिलनिक स्टेटस है वो एनफोर्सिंग है और जो आपका यहां पर डिवाइस है ना वो सर्टिफाइड आपको मिलेगा। उसके बाद में DRM इन्फो के अंदर वाइड 1L1 आपको मिल जाएगा एंड थर्ड चीज F2FS सपोर्टेड है। देन गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड Geekbench 5 के स्कोर्स आपको मैं चेक करवा देता हूं। तो ये वाले स्कोर्स आपको Geekbench 5 के ऊपर मिल जाएंगे एंड ये आपको जो है 18 वॉट से चार्जिंग स्पीड मिलती है। चार्जिंग स्पीड एक्सीलेंट है, कोई भी स्लो चार्जिंग का इशू आपको नहीं आएगा एंड ना ही कोई हीटिंग इशूज आपको चार्जिंग के टाइम में फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो यहां पर आप चेक कर सकते हो आइडल ड्रेन 0.43% पर आर के आसपास मिला मेरे को, डीप स्लीप वर्किंग है और नॉर्मल कंजप्शन के ऊपर जो बैटरी आपकी कंज्यूम होगी ना वो होगी 12% पर आर के आसपास मैक्सिमम, बाकी डिपेंड करता है बैटरी हेल्थ के ऊपर और आप क्या कुछ यहां पर एप्स को यूज कर रहे हो। बट फिलहाल नॉर्मल यूसेज के ऊपर मैक्सिमम जो एक्टिव ड्रेन जाएगा वो 12% पर आर के आसपास होगा एंड ये सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है जिसके अंदर सीपीयू आपका जो है 95% तक थ्रॉटल होता है। मैक्सिमम GIPS है 1,87,000 के आसपास और एवरेज है 1,83,000 के आसपास। उसके बाद में FOD के स्पीड की बात करेंगे, स्क्रीन ऑफ के साथ में जो FOD की स्पीड है वो आप चेक कर सकते हो, एक्सलेंट एंड फास्ट आपको मिल जाती है। सो क्लियरली चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आने वाली। अभी जो स्टॉक कैमरा आपको मिलता है वो Lineage OS बेस्ड कैमरा है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अदरवाइज ANX को मैं आपको चेक करवा देता हूं कौन से मोड्स वर्किंग है। अल्ट्रा वाइड वर्किंग है, 4K वीडियोज आप रिकॉर्ड कर सकते हो एट 60 FPS मैक्सिमम और पोर्ट्रेट और 48 MP का बग आपको देखने को मिलेगा और ये स्टेटस बार के जो आइकॉन्स है ना वो आपके डिसअपीयर यहां पर होते हैं तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में जो स्टॉक लॉन्चर है वो सेम आपको डव लॉन्चर देखने को मिलेगा, इसके अंदर काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन है, नीचे आप जो बटन है इनको आप ऐड कर सकते हो। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड काफी अच्छी है, रोम की स्मूथनेस काफी अच्छी आपको मिलती है एंड कोई भी लैग स्टटरिंग आपको यहां पर फेस करना नहीं पड़ेगा। सो ये चीज काफी अच्छी हो चुकी है एंड ऑलरेडी यहां पर जो है एक काफी स्मूथ और स्टेबल रॉम ये वाली आपको मिल जाती है। सो जो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड या फिर आप बोलो यहां पर स्मूथनेस के मामले में वो काफी सही रहता है। लेफ्ट साइड में अगर आप गूगल कार्ड्स को भी यहां पे स्क्रॉल करोगे ना तो यहां पर भी आई गेस कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, एज यू कैन सी यहां पर भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिस्टम की बात करेंगे, सबसे पहले OTA अपडेट्स चेक करने के लिए अपडेटर है, उसके बाद में जो है जेस्चर एंड कीज का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन है एंड यहां पर आप चेक कर सकते हो पिल की लेंथ, हैप्टिक्स वगैरह ये सब कुछ आपको नॉर्मल वही ऑप्शन मिलेंगे। 2 बटन 3 बटन भी आपको मिल जाएंगे और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आप चेंज कर सकते हो यानी कि यूज कर सकते हो, एडवांस रीस्टार्ट है, बाकी नीचे कुछ और जेस्चर्स आपको मिल जाएंगे और बैक आते ही आपको यहां पर जो है सिक्योरिटी के अंदर पिछले अपडेट की तरह फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड ऐप लॉकर तीनों मिल जाएंगे और ऐप लॉक आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड है सो काफी अच्छी बात है। थीम्ड आइकॉन ऐप ग्रिड्स आप मैक्सिमम यहां पर जो है चेंज कर सकते हो 6x6 तक एंड सिस्टम UI आइकॉन्स आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, सेम वही है जो मैं अभी फिलहाल यूज कराऊं। और उसके बाद में एक्स्ट्रा डिम लाइव डिस्प्ले के अंदर आप चेक कर सकते हो, लॉक स्क्रीन और जो आप यहां पर चेक कर सकते हो और नीचे जो ऑप्शंस है ना वो आपको कलर्स के रिलेटेड मिलेंगे, टैप टू वेक, प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप और कस्टम डिस्प्ले सेटिंग के अंदर DC डिमिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा। साउंड के अंदर ऑलमोस्ट जितने आपको फीचर्स मिलने चाहिए सबके सब आपको मिलते हैं, मी साउंड इनहेंसर है, क्लियर स्पीकर है, पर है वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिलेगा एंड वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, स्मार्ट पॉज भी आपको मिलेगा जिसको आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैटरी के अंदर बैटरी यूसेज का ग्राफ एंड्रॉयड 12 से अपडेटेड है और यहां पर इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हो यानी कि ओल्ड वाला यूज करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर सकते हो। आइडल मैनेजर और एक नीचे ऑप्शन मिलता है किल गूगल बैकग्राउंड सर्विसेज जिसके थ्रू आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो काफी सही हो जाएगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर कोई भी न्यू चीज आपको नहीं मिलती, सबके सब जो फीचर्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनके बारे में जानने तो आपको यहां पर मैं आई बटन में वीडियो का लिंक देता हूं प्रीवियस अपडेट का तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इनकेस अगर आप यहां पर गेमिंग के बारे में जानना चाहते हो तो यहां पर जो GPU ड्राइवर्स है ना वो अपडेट हो चुके हैं इस अपडेट के ऊपर, सो उसकी वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करते हो उसके प्रीवियस अपडेट के साथ में। बट हां यहां पर ना कैसे कोई मेजर आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई काफी ज्यादा तगड़ा ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली काफी नेक्स्ट लेवल का आपको मिलता है। मैं गेमिंग की बात कर रहा हूं, थोड़े टाइम के लिए आपको यहां पर ना स्टार्टिंग में जब आपका फोन ठंडा होगा तो आपको
थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट थोड़ा सा डिवाइस हीट होता है, थोड़े टाइम के लिए आप खेलते हो, उसके बाद में जो आपको स्मूथनेस मिलती है, जो टच रिस्पॉन्स होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो आती है यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल्स, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें अडेप्टिव है, तो थोड़ा टाइम लेता है और जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना गेमिंग के मामले में, वो काफ़ी अच्छा है। सो ये जो रॉम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपको मिल जाती है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए इसको ट्राई करोगे ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।